वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्रिटिकल थेरी को डिस्कस कर चुके हैं क्रिटिकल थेरी के सारे फलासफर्स को कवर कर चुके हैं आज की जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल थेरी टुडे तो इसका मतलब कि हमें यहीं से पता चल जाता है कि हम प्रेजेंट की बात करेंगे पास्ट के फलासफर्स को हम लोग पढ़ते हैं मीन्स के हम पास्ट के फ़िलासफ़र्स को अभी तक पढ़ रहे हैं आज के दौर में भी प्रेजेंट डे में भी हम लोग ब्रिटिश राइटर्स पढ़ते हैं हम लोग जर्मन फिलासफर्स पढ़ते हैं हम लोग अमेरिकन राइटर्स पढ़ते हैं तो वो सारे आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो मीन्स क्रिटिकल थेरी टुडे आज इनके प्रेजेंट में भी जो हम लोग क्रिटिकल थेरी को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम देखेंगे कि वो कैसे अभी भी रिलेट करती है सो so, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ आ जाती है वो है मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थेरी और सेकेंड जो चीज़ जाती है मार्सिजम एंड क्रिटिकल थेरी तो मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थेरी क्या है मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थेरीज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट राइटर्स के मीन्स के जितने भी राइटर्स हैं हमने राइटर सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंट राइटर्स पढ़े हमने वाल्टर बेंजामिन पढ़ा हमने मैक्सो खाइमर पढ़ा हमने अडोर्नो पढ़ा हमने कार्लमार्क्स कार्लमार्कस की तो थेरी कैपिटलिज्म भी थी मार्क्सिजम था ना उसका तो क्रिटिकल थेरी थोरस जो थे जो फिलोसफर्स थे सब ने अपना एक डिफरेंट मीनिंग दिया किसी ने मिथ के बारे में बात की किसी ने हमन इमैनसिपेशन की बात की किसी ने पॉपुलर कल्चर के बारे में बात की तो हर किसी ने अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है हर किसी ने अपना क्रिटिकल थेरी का एक डिफरेंट नज़रिया हमें दिया है एज क्रिटिक इट इज़ यूजली कंसीडर्ड टू बी क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी एंड द डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशन असोसिएटेड विद मॉडर्न सोसाइटी तो क्रिटिकल थेरी जो है बेसिकली जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कैपिटलिज्म हो रही है या फिर जो भी इवैल्यूएशन हो रही है मॉडर्निज्म में जो भी कुछ हो रहा है डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो ये उसके ऊपर एक क्रिटिक है क्रिटिकल थेरी उस डिवेलपमेंट के अंडर जो जो फॉल्ट्स हैं उस डिवेलपमेंट के अंदर जो, जो एक्सप्लेटेशन uh, uh, हो रही है लोगों की उस डेवलपमेंट के अंदर जो एक्सप्लेशन हो रही है राइट्स की उस डेवलपमेंट के अंडर जो एक्सप्लोर्टेशन हो रही है वैल्यूज़ right, uh, की कल्चर की ट्रेडिशन की हिस्ट्री की तो वो सब उस उन सब पे क्रिटिक है जो कि क्रिटिकल थेरी है इट कैन आल्सो बी अ क्रिटिक ऑफ पार्टिकुलर स्कूल्स ऑफ विद इन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंस एज अ होल तो जैसे ये मॉडर्निज्म पर है क्रिटिक वैसे ही डिफरेंट जो सोशल क्लासेस होती हैं जैसे सोशल साइंस वगैरह हो गई सोशियोलॉजी हो गया तो उसके ऊपर भी एक जो क्रिटिकल थेरी है वो एक क्रिटिक है अ लार्ज पार्ट ऑफ क्रिटिकल थेरी हैज़ बीन टू क्रिटिक आर्ट एंड कल्चर के मीन के आर्ट एंड कल्चर यही होता है कि जो रोज रोज इन रेगुलर लाइफ जो सोशल मीडिया क्रिएट कर रहा है या थ्रो लिटरेचर थ्रो आर्ट जो है ये क्रिटिक करता है या फिर जो सोसाइटी के अंडरलाइन प्रॉब्लम्स हैं उनको जब थ्रू आर्ट दिखाया जाता है तो जो क्रिटिकल थेरी है वो उनपे क्रिटिक करती है इन पार्टिकुलर द कंज्यूमर कल्चर एडवर्टाइजिंग द मीडिया एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर इनके जो कल्चरल इंडस्ट्री का हमने जो क्रिटिकल थेरी के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें भी यही कहा गया है कि किस तरह से लोगों के साइको को कंट्रोल किया जाता है लोगों की मैंटेलिटी को कंट्रोल किया जाता है उन्हें मैंटली स्लेव बना दिया जाता है उनको एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे दिखाए जाते हैं कि उनकी जो फैंटेसीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको भूल जाते हैं तो मीन्स के जो क्रिटिकल थेरी है ऐसे क्रिटिक करती है उन चीज़ों पर ये सारी जो आर्ट की चीज़ें हैं जो कल्चर के अंदर जो चीज़ें इस कदर मर्ज हो चुकी हैं क्रिटिकल थेरी उनको पॉइंट आउट करती है अगर हम मार्क्सिज्म को देखें क्रिटिकल थेरी तो हो गया ना कि इनकी फ्रैंकफर्ट स्कूल से है और उसका ओरिजिन फ्रैंकफर्ट स्कूल से आया फिर उसके बाद फिलोसफर ने इस पर काम किया और सोसाइटी को एज होल चेंज करने की बात की तो क्रिटिकल थेरी जो हम जिसको हम लोग न्यू मार्क्सिज्म भी कहते हैं न्यू क्रिटिकल थेरी भी कह देते हैं ये जो कि मार्क्सिज्म की एक फॉर्म है बल्कि डिवेलप्ड फॉर्म है मॉडिफाइड फॉर्म है मार्क्सिज्म की तो मार्सिजम वाले क्या कहते हैं मार्सिजम इज़ द मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डायलेक्ट डायलैक्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी इन अ सोशोलॉजिकल एज़ वेल एज थियोरेटिकल सेंस अब क्रिटिकल थेरी हमें प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देती है आइडियाज तो देती है साथ साथ लेकिन वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशनस भी देती है लेकिन मार्सिज़म जो है ये एक मैनिफेस्टेशन है जो कि मॉडर्निटी के अंदर है और ये एक थेरी है इसके अंदर सोल्यूशन नहीं दिए जाते सोल्यूशन जो है वो हमें क्रिटिकल थेरी के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें वाइल मार्क्सिज्म इज ऑफन रिकार्डिड एज बीग क्रिटिक द वर्क्स ऑफ मार्क्स आर अमॉन्ग द मोस्ट प्रेजवर्ड ऑफ कैपिटलिज्म एंड मॉडर्निटी अब मार्क्सिज्म के वर्क को भी हम ना क्रिटिक कह सकते हैं अभी क्रिटिक कैसे है क्रिटिक इस तरह से है कि इसने कैपिटलिज्म पर क्रिटिक की है मार्क्स जैसे कि मार्सिज्म थे कि लेबर क्लास के राइट्स के बारे में इन्होंने बात की है कि कैपिटलिज्म का जो निज़ाम है वो ख़त्म होना चाहिए इट वॉज दिस डायलैक्टिकल अप्रोच टू कैपिटलिज्म, नथिंग बोथ द इमेंसिपेटरी एंड एक्सप्लोइटेटिव दैर डिस्टिंग मार्क्स एंड मार्सिट फ्राम अदर राइटर्स के जो मार्सिज्म है वो एक डायलैक्टिकल अप्रोच है कैपिटलिज्म को डिस्कस करने की उसको इस इससे यानी कि इमेंसीपेशन भी नहीं है ज़्यादा और ना ही एक्सप्लोइटेटिव है मीन्स के जो मार्सिज्म में उसका बेसिक काम यही था कि जो लेबर क्लास है उनके राइट्स हो कैसे अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को

द डेटरीमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी कि किस तरह से अगले राइटर जो है वो बात करते हैं इस तरह कैपिटलिज्म के ऊपर के, के किस तरह कैपिटलिज्म जो है वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है सोसाइटी के अंदर जो बैलेंस है उसको ये खराब करती है मार्सिज्म मॉडर्निटी एंड मार्सिस आर गुड एट वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज डेट कैपिटलिज्म प्रोग्रेसिव फोर्स कि कैपिटलिज्म जो है वो किसी हद हाँ तक मार्क्सिज वाले ये भी कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ना इसका एक ये भी फायदा है जब कैपिटलिज्म आता है तो फिर लेबर क्लास और जो अपर क्लास होती है इनके जो इट क्लास है और जो लेबर क्लास है उन दोनों के दरमियान क्लैश होता है और क्लैश के बाद जो लेबर क्लास है वो अपने राइट्स के लिए बोलती है और उससे क्या होती है कि लोगों के माइंड में इमेंसिपेशन आती है उनके माइंड में इलाइटमेंट होती है और देन वो जो है वो जाते हैं रिवोल्ट की तरफ और देन जो है वो प्रोग्रेस आती है तो ये एक इनका पॉइंट था उसके बाद जो मार्सिज्म है ये जो है वो क्लास को मार्जन देती है एक्सप्लॉयड करने का जो लेबर क्लास है या फिर जो उनसे नीचे वाला है और जो इलेट क्लास है उनको और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है ये थे मार्सिज्म वाले कहते हैं आगे द फोर्स ऑफ कैपिटलिज्म आर रिव्यूड एज प्रोग्रेसिव इन प्रोग्रेसिव इन स्वीपिंग अवे द ट्रेडिशनल रिलीजियस बैकवर्ड एंड फ्यूडल फॉर्म्स ऑफ सोसाइटीलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अक्रॉस सोसाइटीज़ अच्छा अब इस, इस बात का मतलब इतना पॉजिटिव यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कैपिटलिज्म जो है उसने ट्रेडिशन को तो ख़त्म किया ही किया था रिलीजियस को भी खत्म किया था और जो फ्यूडल फॉर्म्स थी इनके जागीदार निज़ाम जो भी था उसको भी ख़त्म किया था और उसने अर्बनाइजेशन की थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म ने की थी बट कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉयट तो करता ही करता है तो इसके बाद कैपिटलिज्म को अगर पॉजिटिव मे में देखा जाए तो इसके बाद जो आती है वो इनलाइटमेंट आती है कैपिटलिज्म के बाद लोगों के अंदर शाउर आता है कि हमें अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए और अपने राइट्स लेने चाहिए तो ये था ओवरऑल लेक्चर क्रिटिकल थेरी का जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्रिटिकल थेरी आज भी कैसे पढ़ी जा रही है कि क्रिटिकल थेरी आज भी सोसाइटी को एज अ होल चेंज करने के लिए जो है वो काफ़ी अपना रोल प्ले करती है यानी कि सोसाइटी के प्रॉब्लम आज भी वही हैं जो पहले थे मीन्स के वो थोड़े से मॉडिफाई हो गए हैं थोड़े से चेंज हो हो गए हैं लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं तो क्रिटिकल थेरी उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है और जो मार्सिज़म वाले हैं मार्सिज्म वही लेबर क्लास को आज भी कही न, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जाता है उनके राइट्स आज भी उनको नहीं मिलते तो ये क्रिटिकल थेरी जो है वो आज प्रेजेंट की बात करती है तो क्रिटिकल थेरी क्योंकि हम लोग जब राइटर्स को डिस्कस करते हैं तो हम लोग हिस्ट्री के राइटर्स को आज प्रेजेंट एज में पढ़ रहे हैं तो हम जब प्रेजेंट एज में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम तो आज भी हमारी सोसाइटी में मौजूद है नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा क्रिटिकल रेस थेरी का तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप मैंशन कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियोज़ के आपको लिंक्स भी जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे थैंक यू सो मच